नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या कभी आप बिग फाइट लाइव को देखने के बाद ये सोचेंगे कि सब कुछ कितना भारी हो चुका है? कभी संसद का हंगामा, कभी नोटों की बंदी, कभी ये, कभी वो, ना जाने क्या क्या। शायद आप सोचेंगे कितना लड़ते हैं और कितना लड़ाते हैं, कितने दिन हो गए हैं रोजाना पैसों की चर्चा होती है ना। एक शायर ने कहा था कि पैसों से क्या क्या वसूलोगे, अमन चैन का कोई सौदागर है क्या। कवि शायर के नजरिए से आज के हालात पर कई बातें निकल सकती है। सोचा विचारों की इसी लड़ाई में आपके बीच कुछ ऐसा किया जाए जहां सियासत का शोर ना हो, जहां रुपयों की भागदौड़ ना हो, बस हंसी हो, पिटोली हो और मुद्दों की गर्माहट कायम रहे। जितना आसानी से किसी बात को कोई कलाकार, कोई कवि कह सकता है, क्या उतना आसानी से हमारी खबरें ये कह पाएंगी। चलिए शुरू करते हैं गुफ्तगू का सिलसिला, आपके साथ जारी रहेगी बातचीत। नाम बिग फाइट लाइव बड़े मुद्दों की लड़ाई नहीं, बड़े मुद्दों की बात है। शायर और साहित्यकार इकराम राजस्थानी जी इस गुफ्तगु में हमारे खास मेहमान आज हैं। कवि वेद प्रकाश दादीज साहब हमारे साथ हैं, हास्य कलाकार अन्यासेपट जी दीपक जी हमारे साथ हैं, साथ ही हास्य कवि एकेश पार्थ साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आप सभी खास मेहमानों का हम यहाँ स्वागत करते हैं। और इकराम साहब, शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। कहते हैं कि शौके दीदार है तो नजर पैदा कीजिए, ये नजर क्या है दरअसल, आज कहाँ नजर लेके जाए? बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, एक अच्छे मुद्दे पर बात करने के लिए आपने मेरे साहित्यकार मित्रों को, दोस्तों को यहाँ आमंत्रित किया। जिस बिग फाइट से रोजाना हमारा दर्शक जूझता है, तनाव में आ जाता है, उसी बिग फाइट में आज आपने शायरों को, अल्फाज के जादूगरों को, मोहब्बत के अकीदतमंदों को यहाँ बुला करके ये प्रोग्राम शुरू किया, इसके लिए मुबारकबाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुफ्तगू अपने आप में जब प्यार की होती है तो उसका रंग दूसरा हो जाता है, क्योंकि प्यार की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम से तू होने लगी, तो इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाने के लिए ये कहना चाहते हैं। आज से पहले गालिब भी ये कह के गए हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, और तू भी बताओ ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। तो इस गुफ्तगू के अंदाज को आज आपने इस ढंग से बांधा है कि मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस वक्त तमाम देश एक तनाव से गुजर रहा है, एक अंदर उसके एक टेंशन है, वो ये महसूस कर रहा है कि वो अचानक ही ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है जहाँ से कोई राह शायद उसे दिखाई नहीं देती है। ऐसे में लफ्ज़ों के जादूगर, अल्फाज के सौदागर आपके सामने वो राह पेश करना चाहते हैं, शायद आम आदमी ये कह रहा होगा, तीर छोड़ना चाहते हैं। हाँ, अल्फाजों के तीर, और शायद आम आदमी ये कह रहा होगा, वो किसके लिए कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये हम नहीं जानते, लेकिन शायर और कलाकार और साहित्यकार ये महसूस करता है, शायद आम आदमी ये कह रहा है कि ऐसे अंदाज से उसने मुझे बर्बाद किया। क्या बात है, ऐसे अंदाज से उसने मुझे बर्बाद किया, मेरे पर काट के बोला तुझे आजाद किया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, संसद तक पहुंचेगी बात, पहुंचनी चाहिए, अगर देश के संसद इस बात को सुन ले तो मेरे ख्याल से नई दिशा मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल यही बात है, यही अंदाज है, और कहते हैं अंदाजे बयां क्या है, तो अंदाजे बयां आपके सामने पेश है। दीपक जी, ऐसे में अगर हास्य का तड़का लग जाए तो बात कुछ और हो जाती है, क्योंकि बहुत गर्म हो चुकी है संसद, बहुत गर्म हो चुका है देश, दिसंबर के महीने में ये गर्मी अब बर्दाश्त नहीं होती। जी देखिए, मैं तो यह कहना चाहूँगा कि जो 500 को और जो 1000 को नोट जो बंद हुए छे, तो ये एक देश का हित के मायने में चीज ने सही भी मानू छू, लेकिन जी तरीका की समस्याएं पब्लिक के साथ हो रही है, जी हाँ, एक 2000 को नोट चालू करिया छे, तो वो 2000 को नोट के लिए खुला की बहुत ज़्यादा किल्लत छे। मेन चीज कही है कि अब आर मान लो 2000 को नोट 4-5 दिन पहले मारी सासू जी ने मिल गो, अब 2000 को नोट ले रहे गाँव के मायने रे बड़ी दुकान मारे पहुंच गई सब्जी मंडी में, है जी 2 किलो आलू दे दियो, 2 किलो प्याज दे दियो, और ये दे दियो और वो दे दियो, सारो तुलवा लिया, रुके बाद जी नोट काट दियो,
तो नोट ने देखता ही दुकानदार आइया डरगो जैया उन्हें कोई खतरनाक चीज दिखा दियो तो बोल रहे माता जी मैं तो मारे 5 दिन में ही कौन बातू और अटरा सा तो ये कौन चले लो। तो मैं खेबक मतलब यह है कि यह जो सिचुएशन है या समस्या गाँव के मायने ढाणिया के मायने सब जगह चल रही है तो ई को गेलो होना चाहिए। बाकी मोदी जी को काम बेस्ट। मोदी जी को काम बेस्ट। हाँ एकेश पार्थ साहब, दीपक जी ने तो अपनी बात बयान कर दी, जो कहना था कह दिया, इस गर्म माहौल में ठंडक कैसे लाई जाए? नहीं, अश्विनी मेरा सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को बधाई देना चाहता हूँ, 1000 एपिसोड उन्होंने पूरे किए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से। शुक्रिया। 3 साल हुए हैं। 3 साल होने के उपलक्ष्य में मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन पन्ना सेफट की बात को मैं और इकराम रास्तानी साहब की बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन होना चाहिए, मुझको मारोगे मगर, मुझको ये उम्मीद थी पर उस दिन क्यों मारा जिस दिन बकरा ईद थी। क्या बात, वाह भाई, एकेश वाह। काम करना, मैं विरोधी नाराज नहीं हो हूं, जाएंगे नोटबंदी का विरोधी नहीं हूं, जी। लेकिन कुछ काम ऐसे होने चाहिए थे जो तरीके से होने चाहिए थे। बड़ा आदमी नहीं मरता है कभी जीवन में, छोटा आदमी मरता है जो रोज 5 रुपए का आटा लेकर के आता है, 10 रुपए के आलू लेकर के आता है और सुबह 5 जाता है जब मजदूरी पर तब वो जाता है, वो मरा है आदमी, उसको स्वीकार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नोटबंदी के खिलाफ हूँ, नोटबंदी होनी चाहिए, 1500 के नोट बंद होने चाहिए, इससे आतंकवाद बंद होता हो और इससे काला धन कम होता हो तो निश्चित रूप से कर दीजिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसको एक सिस्टोमेटिक तरीके से किया जाना चाहिए। अश्विनी, और वो सिस्टम क्या है? सिस्टम ये होना चाहिए कि हर आदमी के लिए तरीके से की चीज जाए। 5-5 हजार नहीं, लोग मैं लाइन। जानना चाहता हूँ, किसी हाँ, एटीएम पे खड़े शख्स से बात हुई आपकी? मेरी कई लोगों से हुई सर। हुँ। व्यक्ति, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, उस चैनल से खड़ा माहौल गर्म होकर था। 100% ऐसे लोग खड़े हुए थे, पांच पांच नहीं, पांच पांच अंदाज एक स्पार्थ वाला होना चाहिए। हाँ, अंदाज बता रहा हूं, मैं अंदाज बता रहा हूं सर, मैं आपको ऐसे लोग खड़े हुए थे जिनके पास में 500 रुपए नहीं थे और वो लोग लाइन में खड़े हुए थे और ये शब्द बोल रहे थे। इकराम साहब, आपकी मौजूदगी में बोलना चाहता हूं मैं ये जी शब्द भाई, जी भाई अकेश, कि मैं सुबह 6 बजे से खड़ा हुआ हूं और आज रात के 8 बज गए, ये कोई मतलब नहीं हुआ। इतनी व्यवस्था में इतनी जरूरत नहीं होती आदमी को, रोज आदमी पनीर नहीं खाता है अश्विनी, रोज कोई ऐसी चीज नहीं खाता है कि जिसको 4000 रुपए की रोज जरूरत हो। इकराम साहब, मेरी बात का समर्थन कीजिएगा, आप बिल्कुल, मौजूद मैं हैं बात को कह रहा यहाँ हूं। पर। की बात से अश्विनी, मेरे ख्याल से आपको भी ये लग रहा होगा कि आज इस देश के माहौल को देख करके हमारे देश का कवि भी, साहित्यकार भी, कलाकार भी, फनकार भी ये महसूस कर रहा है कि हम चाहे इस माहौल को हल्का करने की कोशिश करें लेकिन आम आदमी के अंतर्मन की पीड़ा उसकी बात से झलक रही है। माहौल को हल्का करने के लिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें कुछ अलग ढंग से, अगर कवि आए हैं तो अलग ढंग से अपनी बात करें, अपनी बात कहें। मिसाल के तौर पर मैं एक दोहा आप लोगों को ये सुना देता हूँ, जरूर माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। क्या हुआ है, अगर हास्य और व्यंग इस पर पैदा करेंगे तो ये लगेगा, हालांकि बात बहुत सीरियस ही आएगी आगे भी, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि दो वृद्ध दंपति आपस में बात कर रहे हैं तो उनका एक चित्रण एक दोहे से दीपक सुनने का है, अश्विनी आप भी सुनिए। वो कह रहे हैं कि तुम तो हो गई 500 और मैं 1000 का नोट। क्या बात है, दो वृद्ध बात कर रहे हैं दंपति, तुम तो हो गई 500 मैं 1000 का नोट, कोई नहीं अब पूछता दिल पर लगती चोट। क्या बात है, क्या बात है वेद प्रकाश जी, मैं आपके पास भी आना चाहता हूँ। ये सब आप अपने अपने तरकश के तीर छोड़े जा रहे हैं, कितने तीर तैयार कर लिए आपने दिल्ली तक पहुंचाने के लिए? मुझे एक बहुत आनंद आया है इस माहौल के अंदर कि हम सभी छोटे बड़े आदमी एक लाइन में खड़ा होना हमारे को वापस सिखाया है। काफी दिन हो गए थे लाइन में क्या लगे, बात है? और केवल ये सिम के लिए या ऐसा कुछ माहौल आया था लेकिन हर व्यक्ति उस लाइन में नहीं था। राष्ट्रगीत पे खड़े होंगे उससे पहले प्रैक्टिस करवा दिए, बिल्कुल ये जरूरी था। हाँ आ रहा हूँ सर। देखो सर, मैं बाबू जी की बात सुन और वेद प्रकाश जी की बात सुन, आदरणीय पार्थ साहब की बात सुनूँ, पर जो भी ये हो रही है
यो देश का हित में हो रही है पहली चीज, क्योंकि पिछली जब से मैं होश संभाली जूँ और इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी शाह आदरणीय मनमोहन जी, उनसे पहले प्रधानमंत्री शाह अटल जी ने भी सुनिया छोटा सा, लेकिन बहुत दिनों बाद देश में मैं कह सकूँ कि मैं उस देश से आता हूँ जिस देश से मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी साहब हैं। मुझे फख्र होता है कि मेरे प्रधानमंत्री इतने ब्रिलियंट हैं जो आज देश के लिए जो एक हलचल पैदा की है। आज हर नौजवान देश का, हर बच्चे बच्ची जिनके लिए उनके मैं उनके अंदर में एक जोश देख रही हूँ। और आपने बताऊँ 125 करोड़ जनता, ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई ने स्वीकार करना पड़ेगा। 125 करोड़ जनता, हिंदुस्तान की जनता बड़ा आदर के साथ वहाँ ने आपको कीमती वोट देर और प्रधानमंत्री बनाए थे, और यह सोच बनाया जाए कि ये प्रधानमंत्री कुछ विशेष करेला तो मने लागे थे कि अब वो विशेष करवा को टाइम आगो, तो सबसे पहली जो 500 हज़ार को करे तो उनके मायने देखो। बार मैं आज की बात बताऊँ, माखा गांव के मायने नाथिया नाम को एक बच्चों पढ़े थे। क्या बात, अब नाथिया नाम को बच्चों स्कूल में पढ़े थे तो ऊंडे दो चार बड़ा बड़ा अधिकारी आगा और आता ही बोले कि अचानक चेकिंग आ गई स्कूल के मायने कि बच्चा, बच्चे ये जो गेंद पड़ी है तो ये कैसी लग रही है? बोले सर ये तो फट रही है। बोले क्या? बोले साहब ये तो फाट रही है। बोले फाट रही है? अधिकारी ने गेंद को देखा, बोला हाँ यार फाट रही है। तो बेटा तुम बता सकते हो फाट रही है इस पर कुछ कुछ मुझे उदाहरण दे के बताओ। तो बच्चे ने बड़े ही आनंद के साथ बताया कि साहब नंबर एक, बोला बेटा चार उदाहरण देके बताना। बोला ओ चार देके बताऊंगा साहब। बोला पहलो, बोला पहला ये कि काम कर रहा है देश के मायने मोदी जी और फाट रही है केजरीवाल की। बोला वेरी गुड। दूसरा बताओ। बोला दूसरा साहब ये सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के माड़े और फाट रही है चाइना की। बोला वेरी गुड। और बताओ। बोला साहब तीसरा सुनो महाराज। बोला तीसरा कहीं? बोला बात कर रही जो मैं था सुर फाट रही मार साहब की। तो कुल मिला रिया छे कि जनता या मोदी जी का फैसला से खुश है। लाइन के अंदर जो भी खड़े हैं, जो भी माता बहनें खड़ी हैं, जो भी बुजुर्ग हमारे खड़े हैं, जो भी किसान भाई खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, दिक्कत है, तकलीफ है, लेकिन उनके मन में खुशी भी है कि आज बिल्कुल हमारे देश तकलीफ का एहसास नहीं होना चाहिए। ये शाम और ये खास मेहमान इसीलिए हमारे बीच मौजूद है कि जैसा भी हो वक्त हंसते हंसते कट जाए रस्ते, और ये वक्त कट जाना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेके लौटेंगे आपके बीच में। सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रकाश जी की बात अधूरी रह गई, पूरी करेंगे ब्रेक के उस पार। हजार 500 का नोट देखो, हजार 500 का नोट देखो, मोदी बंद करायो रे, मोदी बंद करायो रे, सब लोगा का झाग निकलेगा, सब लोगा का झाग निकलेगा, एड़ो काम करायो रे। काला धन वाला रो भाया, काला धन वाला रो भाया, केड़ो घाटो आयो रे, केड़ो
भाटो आयो रे, चुप चुप देखे मुंडा सबरा, हो चुप चुप देखे मुंडा सबरा, आकाई अंधड़ आयो रे। हाँ, 1500 का नोट देखो मोदी बंद करायो रे, मोदी बंद करायो रे, सब लोगा का झाग निकलेगा, सब लोगा का झाग निकलेगा, एड़ो काम करायो रे। हाँ,